नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 3 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल में आगाज शानदार रहा। टीम ने टूर्नामेंट के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर जीत से शुरुआत की। टीम के लिए अंबाती रायडू और फाफ डुप्लेसी ने बेहतरीन खेल दिखाया और टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। टीम को अगला मैच राजस्थान रॉयल के खिलाफ मंगलवार को खेलना है। दूसरे मैच के पहले दिन के लिए युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम के प्रैक्टिस सेशन में लौट आए हैं। वो एक दिन पहले कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए थे। बता दें कि दुबई पहुंचने के बाद हुए कोविड-19 टेस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कुल 13 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 2 खिलाड़ी में ऋतुराज और 23 गेंदबाज दीपक चाहर शामिल थे। हालांकि चाहर 7 दिन के अतिरिक्त क्वारंटाइन के बाद दोबारा हुए कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव आए और मुंबई के खिलाफ पहले मैच में खेले। इसमें उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा था। ऋतुराज के टीम में वापस लौटने पर सीएसके ने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। ऋतुराज टीम में सुरेश रैना के विकल्प थे, जो निजी कारणों से टूर्नामेंट से हट गए हैं और स्वदेश वापस लौट आए हैं। सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह भी निजी कारणों से टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। गायकवाड़ ने पिछले 2 सालों में भारत ए के लिए किसी अन्य खिलाड़ी की तुलना में सबसे अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम इस दौरान 15 पारियों में 843 रन दर्ज है। उन्होंने ये सारे रन नंबर 3 पर खेलते हुए बनाए हैं, जिस क्रम पर सीएसके के लिए रैना अक्सर बल्लेबाजी करते आए हैं। आईपीएल में चिकित्सा निर्देशों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना है और इसके बाद 2 बार उसका टेस्ट किया जाता है। दोनों टेस्ट अलग अलग दिन किए जाते हैं। दोनों में निगेटिव आने के बाद उसे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले बीसीसीआई की टीम के मेडिकल परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।